स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं मगहिया के ट्रेंडिंग स्टार सुपर डुपर स्टार आशीष भैया के बारे में। आशीष भैया ने अपनी जर्नी कहां से स्टार्ट की और अभी कहां है हर किसी को पता है। कैसे वो पहले गाना गाते थे, क्या उनकी आर्थिक बजट रही, क्या करते थे वो, कहां से पैसा लाया था गाना गाने के लिए, क्या उनके घर वालों ने मदद की थी, हर चीज के बारे में आज जानेंगे। कौन सा उसका गांव है, कैसा उनका घर है, कैसा परिवार है, पापा का नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या है, हर चीज बताऊंगा आज आपको बारे में। तो वीडियो में पूरा बने रहे दोस्तों, आई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आशीष भैया आज एक जाने माने कलाकार हैं, ट्रेंडिंग स्टार है। उनका गाना 20 नंबर, 19 नंबर, 18 नंबर, 7 नंबर ट्रेंड तक उनका गाना गया है, जो एक बहुत ही बड़ा बात है। तो आज हम आशीष भैया के बारे में ही आपको बताएंगे कि उन्होंने अपनी कहाँ से स्टार्ट किया। दोस्तों अभी एक पीछे आप वीडियो देख सकते हैं कि एक नॉर्मल गांव का लड़का, गरीब घर का लड़का, हारमोनियम ढोलक बजाता था सिर्फ, और आज फॉर्चूनर है उनके पास, फॉर्चूनर, स्कॉर्पियो, केटीएम, बुलेट, हर प्रकार की बाइक है। घर 20-25 लाख, 30 लाख, 40 लाख का उनका घर है। कहां से उन्होंने ये दौलत पाई है, ताइए इसी बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, आशीष भैया के पिताजी का नाम है रंजीत यादव जी, जो कोलवड़िया ग्राम के एक आम निवासी हैं, शिक्षक हैं, वो प्राइवेट पढ़ाते हैं। उनके प्राइवेट पढ़ाने से उनका घर चलता था। आशीष भैया ने 10वीं तक की पढ़ाई की। सिंगिंग लाइन में उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, मतलब बहुत इंटरेस्टेड आशीष भैया थे सिंगिंग लाइन में। बचपन से ही ढोलक झाल, लोगों के साथ गाना बजाना उनका लगा रहता था। उन्होंने लड्डू के कारखाने में भी जाते थे काम करने के लिए। उनका जीजा जी का लड्डू का कारखाना है, रंजीत जी का। उनका जीजा का नाम भी रंजीत ही है। एक उनकी बड़ी दीदी है, एक छोटा भाई है आशीष भैया का। वहाँ जाते थे, काम करते थे दिवाली सीजन में, तो उनको कुछ पॉकेट खर्चा मिलता था, 2000, 4000, 5000। उनसे वो गाना गाते थे स्टूडियो में जाकर। तो स्टूडियो में वो गाना गाते थे तो उनका कुछ गाना बजा, कुछ नहीं बज पाया। शुरू में हर कलाकार का वही स्थिति होता है, गाना नहीं बजता है। तो उनका टैलेंट को देखते हुए सोनो का एक स्टूडियो है, आप लोग बहुत लोग जानते होंगे, यादव फिल्म, वहाँ के जो डायरेक्टर थे बीकेएस यादव, उन्होंने उनका टैलेंट को देखा और अपने स्टूडियो में उनको मौका दिया। आशीष भैया भी लगन काम करने में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड बंदा, दिन रात मेहनत किया, 2-3 साल उन्होंने मेहनत किया, जम के मेहनत किया। आप लोग तो अभी मान लो, बहुत लोग तभी भी आशीष भैया गाना सुन रहे हो, 2-4 महीने से जानते हो। मैं उनके गाँव का ही हूँ, मैं उनको बचपन से जानता हूँ। अभी तक आशीष भैया ने करीब 4 साल से वो मेहनत कर रहे हैं इस लाइन में, मेहनत किया स्टूडियो के द्वारा, दिन रात मेहनत किया। उनका पहला गाना जो बजा था वो गाना था रात भर जागी जागी नदिया की नरवा। ये गाना बहुत ज़्यादा बजा, वायरल गाना रहा था, ये बहुत ज़्यादा वायरल था। सबसे पहला उनका गाना बजा था लाल सड़िया, एक गाना है उनका, यही बजा था हमारे एरिया में, जम्मू जिला में सबसे पहले यही उनका गाना बजा था। लेकिन पूरी 4-5 जिले हो गए बिहार में, नदिया की नरवा गाना ही उनका बजा था, जो बहुत ज़्यादा वायरल रहा था। आशीष भैया का बात ही क्या कहना। हाल में आशीष भैया ने एक फॉर्चूनर खरीदा है, जो 50 लाख का गाड़ी है, बहुत बड़ा बात है। 20-22 साल के लड़के के लिए फॉर्चूनर खरीदना बहुत ही बड़ा बात है। तो दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूँ कि आशीष भैया का घर का स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब था। मैंने पहले बताया उनके पिताजी शिक्षक थे, उनसे उनका घर चलता था, घर से उनका आर्थिक बजट उतना मिला नहीं। लेकिन अपने दम पर, कहते हैं जुनून होता है तो हर चीज़ होता है, उनके अंदर जुनून था गाना गाने का। आज गाएं और इतना बड़ा स्टार बन चुके हैं, इनका कहना ही क्या है। तो दोस्तों अगर आशीष भैया की एक प्यारी सी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें भी सपोर्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय बिहार, जय मंगल।